आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी शिद्दत पूरी मेहनत से अपने ड्रीम जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि हम जैसा हमेशा कहते हैं इट्स लाइक ए वार, और वार में जीतना है तो यू नीड टू बी लाइक ए वॉरियर, और वॉरियर अपने वार के लिए हर दिन हर समय उसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं मानो उनका वार कल हो। सो प्रिपेयर लाइक ए वार कि आपका एग्जाम कल है। बिहार ऐसा है, बीएसएससी बीपीएससी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप बिहार ऐसा ही दे रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीएसएससी 25 क्वेश्चन, बीपीएससी 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे। जो भी हम यहां बताने वाले हैं इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता है, तो पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा। चैनल पे नए हो, आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है ताकि ये कंटिन्यू रहे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, ठीक है। पाइरोमीटर इज फॉर मेजरिंग, ठीक है, कि पाइरोमीटर जो है बेसिकली क्या का यूज होता है, इसका यूज क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा इसका ये होगा आपका हाई टेम्परेचर। क्या होता है इसका, जो हम लोग इसका होता है आपका हाई टेम्परेचर, जो होगा इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। सबसे पहले आप एयर उठाओ, ठीक है, आप इससे जितने क्वेश्चंस बने हैं आज तक उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले याद रखना एयर जो है, ठीक है, एयर पूछा जाएगा क्या है, ये मिक्सचर है, पहला क्वेश्चन। तो ये क्या है, मिक्सचर है, याद रखिएगा, एक मिश्रण होता है। पूछा जाता है कि किस टाइप का मिश्रण है, पहला क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ये होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर है। क्या है, होमोजेनियस टाइप का मिक्सचर है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा, ठीक है, मात्रा किस गैस की होती है एयर में, तो आप क्या बोलोगे, एयर में या वातावरण में जो सबसे ज्यादा किस गैस की होती है, तो वो होता है आपका नाइट्रोजन का होता है, ठीक है, क्या का, नाइट्रोजन का, जो कि 78% अप्रोक्स होता है। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एयर में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, कौन सा इनर्ट गैस नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन जो है, ठीक है, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि आर्गन का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, पाइरोमीटर में, तो आपको क्या बोलना है, 0.93 कितना होता है आर्गन का, 0.93। अब ये क्यों पूछा गया, अगर आपको पूछे कि कौन सा इनर्ट गैस या अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है एयर में, तो क्या बोलोगे, रेडॉन नहीं पाया जाता है। बट जो आपका आर्गन है एक ऐसा अक्रिय गैस है जो अच्छे अमाउंट में आपको एयर में मिलता है, जिसका अमाउंट जो होता है 0.3%। तो आर्गन भी एक अक्रिय गैस है, ठीक है, जो आपका एयर में मिलता है, उसका परसेंटेज पूछा गया है 0.93। एक क्वेश्चन आप और याद रखोगे, आर्गन का बात चला है तो जो आपका ट्यूबलाइट होता है उसमें जो मेजर इनर्ट गैस होता है, एक तो होता है मार्करी वेपर, मेरे साथ पढ़ना, ठीक है, ट्यूबलाइट में एक तो होगा मार्करी वेपर और दूसरी तरफ कौन सा इनर्ट गैस होगा, तो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है आर्गन, ठीक है, यहां से इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन और याद रखोगे, वो क्या, कि स्ट्रेंजर गैस किसको बोला जाता है, स्ट्रेंजर गैस आपके लिए कौन स्ट्रेंजर हो गया, आपका एक्स, कौन स्ट्रेंजर हो गया, तो आपका एक्स जो है वो आपके लिए स्ट्रेंजर हो गया है। तो जब भी आपको बोले स्ट्रेंजर गैस कौन सा है, तो आपका एक्स, मतलब जेनॉन, जिसको हम लोग एक्स से लिखते हैं, जेनॉन जो है आपका स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आपका असम पीसीएस में, कि कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, कौन सा ऐसा गैस है जिसका मात्रा, ठीक है, जब अर्थक्वेक आता है तो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, वातावरण में उसका बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझना, कौन सा ऐसा गैस है जिसका मात्रा जो है वातावरण में बढ़ जाता है, ठीक है, ऐसे तो रेडॉन मिलता नहीं है एयर में, बट जब आपका, ठीक है, अर्थक्वेक आएगा तो याद रखना अर्थक्वेक के आने के समय रेडॉन का जो मात्रा है वो आपका एटमॉस्फेयर में वातावरण में बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एयर से एटलीस्ट आप लोग इतना याद रखोगे, और याद आएगा तो हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। यहां टेम्परेचर क्या बात आया, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, तो क्या बोलोगे, ऐसा यूनिट केल्विन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका केल्विन, इसका ऐसा यूनिट है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर का स्केल है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, आंसर क्या होगा, अगेन आपका केल्विन होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन टेम्परेचर से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आप हमेशा बात करते हो कि मानसून का बात करते हो, मानसून बोलते हो मानसून, ठीक है, मानसून नहीं आए तो मानसून आता क्यों है, वो होता है आपका जब निम्न दाब, जब लो प्रेशर बनता है तब आपका हवा चलने लगती है, हवा चलने लगती है मतलब मानसून आएगा, साथ में बारिश लाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा टेम्परेचर का, ठीक है, और प्रेशर मतलब दाब का जो रिलेशन होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं यहां बोलूं कि टेम्परेचर अगर मैं ज्यादा कर दूं तो यहां क्या होगा, निम्न दाब यहां बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन, आखिर जो एयर फ्लो होता है, ठीक है, इसी से रिलेटेड, एयर जो फ्लो होता है क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर के कारण, कहीं निम्न दाब बन जाएगा तो जहां मैक्सिमम प्रेशर है, तो मैक्सिमम प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, आपका एयर फ्लो होगा और आपका मॉनसून लेके आएगा। तो अगर आपको पूछे कि जो आपका विंड, जो हवा जो है क्यों फ्लो होता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, क्यों, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, इतना याद रखोगे टेम्परेचर से। एक क्वेश्चन और याद रख लेना यहां, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है कि केल्विन को, केल्विन को तो आपको पता होगा, फ़ारेनहाइट को, ठीक है, आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो एक फॉर्मूला याद रखना, सी बाई फाइव इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना, यहां से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में बोलूं तो 37 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा इसको, ठीक है, कितना, और अगर यही पूछूं कि फ़ारेनहाइट में तो 98.6, ठीक है, यही अगर मैं पूछूं केल्विन में तो 310, ये एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन में आएंगे, यही चीज आपको याद करके रखना है। देखो यहां आया पायरोमीटर, ठीक है, अगर यही पायरो हेलियोमीटर होता, ठीक है, पायरो, ठीक है, पायरो हेलियो लगा देता, हेलियो, ठीक है, तो हेलियोमीटर अगर आ जाए तो याद रखिएगा पायरो हेलियोमीटर जो होता है, बेसिकली जो होता है अर्थ का जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन उसका जो टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखोगे इतना, आप याद रखोगे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, जिसको आर्द्रता बोलते हो आप। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा नहीं, पूछा गया है, पूछा जाएगा कि जो आपका रेन होता है, ठीक है, जो रेन होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, जो आपका रेन मतलब जो बारिश होता है किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका वातावरण में नमी कितना है। नमी कितना है मतलब क्या हुआ, मतलब आर्द्रता कितना है, मतलब क्या, आपका जो वातावरण है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है, वो ह्यूमिडिटी दिखाता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसको क्या से नापा जाता है, तो इसको नापा जाता है हाइग्रोमीटर से, याद रखना इसको क्या से नापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। और ये क्या हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे नापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। वही रिलेटिव डेंसिटी को किससे नापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से, ठीक है, इतना चीज याद रखोगे। यहां अर्थक्वेक का बात हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थक्वेक में, सबसे पहले याद रखना अर्थक्वेक का अगर हम लोग बात करें तो अर्थक्वेक में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अर्थक्वेक जो होता है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किससे किया जाता है, तो क्या बोलोगे, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, मैं बस छोटा सा लिख दे रहा हूं आप लोग समझ लेना, सिस्मोग्राफ। बट अगर बोले कि इसका इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड किससे नापा, ये तो बताता है कि हाँ मैंने नापा, मैंने उसको रिकॉर्ड किया कि हाँ अर्थक्वेक आया, बट पूछे कि मैग्नीट्यूड कितना तीव्र से आया था, कितना तीव्रता से, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, तो बोलोगे रिक्टर स्केल, क्या बोलोगे, रिक्टर स्केल। तो बोले कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किसमें करते हैं, तो सिस्मोग्राफ में। दूसरा क्वेश्चन रिक्टर स्केल, ठीक है, उसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किससे नापते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड,
ठीक है, कितना आया था, बोलते ना इतना आ गया, पांच आया, सात आया, सात आया, तो खैर खत्म, ठीक है। तो रिक्टर स्केल से नापते। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ठीक है, कि जो रिक्टर स्केल है इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, तो 0 to 9 तक। इससे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि 0 से 9 तक तो करता है, पर ये रिक्टर स्केल किस टाइप का स्केल है, तो बोलोगे किस टाइप का है, लॉगरिथमिक, लॉग पढ़ते हो ना, तो इसको लॉग के हिसाब से नापा जाता है, तो एक लॉगरिथमिक स्केल है। प्लीज रिवीजन कीजिएगा जो भी समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थक्वेक, चलो अर्थक्वेक से दो क्वेश्चन और पूछे गए, वो भी बता देता हूं। जहां से अर्थक्वेक, जहां पहले आता है, बोलते ना एक पॉइंट होना चाहिए, वहीं से तो अर्थक्वेक निकलेगा ना, क्योंकि अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा, अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, आपका जो सी है, सी मतलब क्या, समुद्र है, उसमें जब वोल्केनो फूटता है, ठीक है, वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो क्या होता है आपका, अर्थक्वेक आता है। तो पहला पॉइंट जहां आता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है फोकस, ठीक है। और फोकस से ये कहां पहुंचता है, जब पहले कहां पहुंचेगा, धरती का जो पहला पॉइंट जहां पहुंचता है उसको क्या बोला जाता है, एपिसेंटर, एपिसेंटर। इतने क्वेश्चंस आपको यहां से बनते थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं, बट एटलीस्ट इतना आप लोग याद रखोगे, ठीक है, सोच लो कितना क्वेश्चन। और एक चीज, इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि हम एज ए टीचर ही सिर्फ आपको नहीं पढ़ाने आए, एज ए स्टूडेंट, ठीक है, ए टू जेड चीज ये आया हुआ है, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। सो एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट भी हम यहाँ आपके सामने खड़ा है, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे आपको पढ़ना है। अब ये देखो, चंद्रमा पर किसी पिंड, ठीक है, चंद्रमा पर किसी पिंड बॉडी का भार, ठीक है, 60 kg है, ठीक है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, आप कमेंट कीजिए, ठीक है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। देखिए, वेट बोला है ना, सॉरी, यहां न्यूटन लगा लो, ठीक है, वेट है, ठीक है, भार है यहां, ठीक है, यह मास नहीं है, ठीक है, यहां भार बोला है, ठीक है, द्रव्यमान नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो यहां बोला है कि चंद्रमा पर किसी बॉडी का भार, मतलब वेट, ठीक है, 60 N है, तो पृथ्वी पर क्या होगा, पृथ्वी पर क्या होगा, इसका हो जाएगा 360। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई बॉडी, ठीक है, अर्थ पे है, ठीक है, और अगर वो मून पे जाता है, ठीक है, मान लीजिए इसका क्या है, 6 N इसका वेट है, वेट मतलब भार है, तो अगर ये यहां जाता है तो कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1 N हो जाएगा, समझ में आया। तो बोला है कि इसका जो वेट है, चंद्रमा पर किसी पिंड का वेट जो है 60 N है, तो यहां अगर 60 N है, ठीक है, तो यहां अगर वापस आएगा तो कितना हो जाएगा, उसका 6 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 जा कितना हो जाएगा, 36, मतलब 6 × 60 N इक्वल टू हो जाएगा 360 N। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग द्रव्यमान का बात नहीं कर रहे, हम लोग अभी बात कर रहे हैं मास का, ठीक है, और मास जो है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है, आप कहीं भी ले जाओ उतना ही रहेगा, ठीक है, बट हम लोग यहां क्या बात कर रहे हैं, वेट का। वेट किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, जी का हम लोग कैलकुलेशन के लिए कितना वैल्यू लेते हैं, 10 लेते हैं, तो जी जो होता है, अगर यहां 1 है, ठीक है, अर्थ पे, तो अगर मून पे ले जाएंगे तो जी उसका 1/6 हो जाता है। तो अगर वेट हम लिखते हैं, आप ध्यान से समझना, वेट अगर हम लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, m × g, ठीक है, तो ये मास तो कॉन्स्टेंट है आपका, ठीक है, ये वेरी नहीं होगा, पर जो ये जी जो है, जी आपका, जी, ठीक है, जी क्या है, अगर यहां आपका 6 है, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो वेट अगर यहां 6 था, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, उसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको समझना था, क्योंकि मास तो कॉन्स्टेंट है, जी अगर जो भी होगा उसका वो 6 गुना हो जाएगा। अब यहां से समझना, अगर आपको पूछे, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपका द्रव्यमान या मास का यूनिट क्या है, तब आप क्या बोलोगे, केजी, ठीक है, बट अगर आपको पूछे वेट का या भार का यूनिट क्या है, तो क्या बोलोगे आप, न्यूटन। तो यहां से एक चीज आपको ड्राइव होना चाहिए कि जो न्यूटन जो है, जो भार जो है,
बेसिकली क्या है, एक फोर्स है, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, वो भी न्यूटन होता है। तो जो फोर्स और आपका भार, बोलते हैं ना इतना भार लगाया हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, इतना वेट लगाया हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया, तो इतना चीज आपको यहां से समझना था। और यहाँ क्या है, यहाँ है आपका चंद्रमा दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रमा सिर्फ एक ऐसा नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है हमारा, किसका, अर्थ का। ठीक है, अर्थ का। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं पूछू क्या, ये पूछा गया कि अर्थ से सनलाइट आने में, मैं सनलाइट बोल रहा हूं, हाँ सनलाइट भी सही है, अर्थ से जो रोशनी आता है धरती पे, उसको आने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 1.3 सेकेंड, मतलब 1.3 सेकेंड आप बोल सकते हो, मतलब 1 मिनट 3 सेकेंड लगता है। और अगर मैं बोलूं सन से आने में कितना टाइम लगता है, सन का रोशनी को, तो क्या बोलोगे, 500 सेकेंड। ठीक है, याद रखोगे। और अर्थ का सबसे सामने वाला स्टार कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे सामने वाला जो स्टार है कोई अर्थ का, वो है आपका सन है, याद रखना सन भी एक स्टार है। और सन को छोड़ दिया जाए उसके बाद कौन सा है सबसे सामने वाला स्टार अर्थ का, तो प्रोक्सीमा सेंचुरी। और यही मैं बोलूं कि सबसे चमकीला, ठीक है, स्टार कौन सा है हमारा पूरा सोलर प्लेनेट में, तो आप क्या बोलोगे, डॉग स्टार है। ठीक है, जिसको हम लोग साइरस भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो, ठीक है, वो है आपका कि सर सोलर इक्लिप्स कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण क्या होगा। ठीक है, आज मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर आपको पूछे, देखो हमेशा एक चीज याद रखना, सोलर इक्लिप्स मतलब सोलर इक्लिप्स बोले, सूर्य ग्रहण पूछे, ठीक है, या चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स पूछे, तो आपको याद कैसे रखना है, देखो याद रखना सन जो है ना ये तो मास्टर है। ठीक है, ये कभी अपना जगह चेंज नहीं करेगा, ये क्यों चेंज करेगा, ये तो हीरो है। ठीक है, मेन जो जगह चेंज होगा किसका चेंज होगा, आप मान लीजिए ये है आपका अर्थ, ठीक है, और ये है आपका मून। ठीक है, ये दोनों अपना जगह चेंज करेगा। तो पहला अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि सोलर इक्लिप्स कब होगा, सोलर मतलब सूर्य ग्रहण कब होगा, ठीक है, सोलर इक्लिप्स, ठीक है, सोलर इक्लिप्स जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कब होगा, अगर मैं ये बोलूं तो याद रखिएगा सूर्य ग्रहण कब होगा, जब आपका मून जो है आपका किसके बीच में आ जाएगा, सन और अर्थ के बीच में। अब याद कैसे रखना है, दूसरे वाले से, क्योंकि एक याद है तो दूसरा आपको याद होगा। सन को आपने यहीं रखा, अब क्या होगा, जो लूनर इक्लिप्स जिसको हम लोग बोलते हैं, लूनर जिसको आप लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है, तो लूनर इक्लिप्स, ठीक है, अब लूनर इक्लिप्स में क्या होगा, आपका जो ई है, ई जो आपका यहां आ जाएगा, अर्थ जो है बीच में आ जाएगा और मून जो है आपका यहां आ जाएगा। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो चंद्र ग्रहण बोलता है ना, चंद्र ग्रहण, अब लूनर फॉर क्या, धरती पे सबसे सुंदर जीव क्या है, लड़की। ठीक है, तो एल फोर होता है लड़की और एल फोर होता है लूनर, और बोलता है ना कंपेयर भी करता है, चांद सा मुखरा है एकदम, बोलते हैं तो चांद सा मुखरा है, तो कहां होगा चांद सा मुखरा, अर्थ में होगा, सिंपल सी बात है। तो जब भी आपको लूनर इक्लिप्स बोले, ठीक है, लूनर एल फोर लड़की, या चंद्र ग्रहण बोले चांद सा मुखरा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल है भाई, किसका बात चल रहा है, अर्थ का बात चल रहा है, ई तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, चेंज किसको करना है, सिर्फ इन दोनों को। तो जब भी लूनर इक्लिप्स का बात करेगा, जब भी चंद्र ग्रहण का बनेगा, तो चांद सा मुखरा आ गया बीच में, ठीक है, अर्थ आ गया बीच में, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे ही बोलेगा सोलर इक्लिप्स क्या होगा, आपको पता है लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में चांद सा मुखरा बीच में आ जाता है, अर्थ बीच में आ गया, तो सोलर इक्लिप्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, मून बीच में आएगा, और ये तो बॉस है, ये तो हमेशा साथ में ही रहेगा। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज है, बट चलिए ये हो गया। चलिए आप इसको बोलिए कोल्ड ब्लडेड, ये सब पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, फ्रॉग, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल ये ट्रू हो जाएगा। सबसे पहला फ्रॉग से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथरा टिग्रिस, क्या बोला जाता है, पैंथरा टिग्रिस। ठीक है,
पैंथराटिक रिस्क। पहला क्वेश्चन आपको ये बोला जाएगा। अब कुछ कुछ बातें आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखे रहेंगे। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा कोल्ड ब्लडेड है, कौन सा आपका वार्म ब्लडेड है? याद रखिएगा, ठीक है, आपका बर्ड, बर्ड जो होता है, बर्ड और मेमेलिया, मेमेलिया मतलब क्या, हम लोग जो स्तनधारी है उस वो, और आपका बर्ड, बर्ड मतलब जो पक्षी, ये दोनों जो होता है आपका क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल, मतलब गर्म खून वाले होते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं आपके, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना, क्योंकि ये पूछा जाएगा। अगर पूछे कि वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होता है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं, ठीक है, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे कि हमारा बॉडी, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो वैसे जीव जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। सो वी आर ए वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे कि आपका जितने भी कीड़ा हो गए, इंसेक्ट हो गए, ठीक है, वो सब क्या है आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जैसे कि इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, ठीक है, तो इंसेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके रेंगने वाले चीज है, रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं, जो रेंग के चलते, तो जितने भी रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, आपको याद रखना है रेप्टाइल्स। उसके बाद जितने भी एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियंस मतलब क्या, जो जल में भी रहते हैं और आपके धरती पे भी रहते हो, तो याद रखिएगा ये एम्फीबियंस में आते हैं, ठीक है, उभयचर आई थिंक बोला जाता है, ठीक है, तो इसको एम्फीबियंस में आते हैं। तो ये हो गया आपका एम्फीबियंस, क्या होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो एम्फीबियंस बोले, रेप्टाइल्स बोले, इंसेक्ट बोले, ये सब जितने हैं, ये सब क्या है आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और हम लोग क्या है वार्म ब्लडेड एनिमल है, ठीक है, समझ में आया इतना। अब यहाँ कुछ चीज आप लोग याद रख लो, ठीक है, सबसे पहले ब्लड का बात किया जाए, तो ब्लड का जो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड परिसंचरण तंत्र का डिस्कवर किसने किया था, विलियम हार्वे ने। बार बार करवा के दिमाग में ड्रिल्ड करवा दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था, इतना याद रहेगा। उसके बाद ब्लड, कौन सा ऐसा ब्लड है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो याद रखिएगा कौन सा है, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीबॉडी है, ए और बी, तो ओ वाला जो है उसमें दोनों एंटीबॉडी होता है, ठीक है। और पूछा था कि कौन सा ऐसा जंतु है जिसका जो पूछा गया कि खून का कलर ब्लू होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा वो होता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का जो खून होता है वो ब्लू होता है, और ऑक्टोपस को एक और नाम से जाना जाता है जो पूछा गया है, वो है आपका डेविल फिश, याद रखिएगा डेविल फिश, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होता है, ये चीज आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत सारे चीजें हैं पर चलो। अब ये है कि मेजर फूड फ्यूल ड्यूरिंग एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सामने आएगा, ठीक है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि लंबे समय की कसरत के मुख्य ईंधन क्या होते हैं, आपको पता है कि जब भी दौड़ के हम लोग स्कूल में आते थे, ठीक है, अगर आप दौड़े हो स्कूल में, ठीक है, तो जल्दी से पीटी सर हम लोग को क्या खिलाते थे, ग्लूकोज खिलाते थे। ग्लूकोज खिलाना मतलब क्या, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट देना, तो क्या होता है इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। अब पहला क्वेश्चन याद रखना, कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप जलाते हो तो कितना आपको कैलोरी एनर्जी मिलेगा, ठीक है, तो याद रखना 4.2, ये पूछा गया है, ठीक है, 4.2 कैलोरी, या ऑप्शन में आपको 4 कैलोरी भी दिया होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे, ठीक है, सबसे छोटा यूनिट, या बोल सकते हो कि सबसे जो हमारा बॉडी पचा लेता है वो सबसे छोटा यूनिट कौन सा है कार्बोहाइड्रेट का, तो याद रखें सबसे सिंपल फॉर्म जो होता है इसका, ये होता है आपका ग्लूकोज, ठीक है, क्या होता है आपका ग्लूकोज। अब यहाँ एक चीज मैं समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी ध्यान से एकदम यहाँ समझ के रखना। अब हम लोग बात करने, ग्लूकोज का बात चला है, ठीक है, तो ग्लूकोज का बात चलने से हम लोग फोटोसिंथेसिस एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। देखो 6CO2, ठीक है, 6H2O, ठीक है, यहां होगा आपका क्लोरोफिल, ठीक है, यहां सनलाइट, ठीक है, फिर से क्या निकलेगा, C6H12N और O6 प्लस 6O2, ठीक है, इतना याद रहेगा।
अब ध्यान से समझना, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाए, ये क्या है? ये है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है? ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये आपका प्लांट में होगा, और प्लांट में जो आपका CO2 कहां से लेगा? वातावरण से लेगा, ठीक है? H2O कहां से लेगा? वो जड़ से पानी लेगा, और क्लोरोफिल क्या होगा? हरा पत्ता में क्लोरोफिल होगा, सन के प्रेजेंट में होगा, और क्या निकालेगा यहां? ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है? और ये हो इसका ऑक्सीजन भी देता है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है? तो ये जो ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ है, जो प्लांट है किस फॉर्म में यूज करेंगे? याद रखना, प्लांट कभी भी डायरेक्टली ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में यूज नहीं करेगा, वो किस फॉर्म में यूज करेगा? आइदर स्टार्च के फॉर्म में या सेलुलोज के फॉर्म में। कैसे? स्टार्च या सेलुलोज। अब ये जो सेलुलोज से एक क्वेश्चन बनता है जो हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो सेल वॉल होता है, जो प्लांट का सेल वॉल होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो किससे बना होता है? तो याद रखिएगा, सेलुलोज से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दरोगा मेंस में पूछा गया था कि जो आपका जो फंगस होता है, जो कवक होता है, उसका सेल वॉल किससे बना होता है? तो याद रखिएगा, काइटिन, काइटिन, CHITIN, काइटिन, ठीक है? ये तो खैर यहां हो गया। अब इस पे वापस आते हैं, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, पहला क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा, जो हमने बताया कि जो प्लांट जो है सेलुलोज के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को यूज करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा है या मेन प्रोडक्ट कौन सा है? तो हमेशा याद रखना, इसका मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है, ठीक है? प्लांट ये नहीं है कि वो आपके लिए ऑक्सीजन छोड़ रहा है, वो अपना मेनली खाना बना रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका ये ऑक्सीजन जो छोड़ रहा है, ये इसका बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है? तो याद रखना, मेन प्रोडक्ट क्या है इसका? ग्लूकोज है, ठीक है? इतना याद रखोगे, ग्लूकोज है। तो एक दो तीन यहां से क्वेश्चन मिला। चौथा क्वेश्चन, जो आपका ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, चौथा क्वेश्चन पूछा गया, पूरा का पूरा आज रगड़ देते फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, जितना क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो आपका ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? तो क्या बोलोगे? इसमें होता है मैग्नीशियम होता है, ठीक है। वही इंसुलिन में क्या होता है? तो जिंक होता है इंसुलिन में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन याद रखना, पूछा जाएगा जो आपका ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो ऑप्शन में दो होगा, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? तो याद रखिएगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें अपचय भी होता है, उपचय भी होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। प्लस और क्या मैंने बोला, ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इसमें क्या होगा, आपका एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, जो ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल इसका एग्जैक्टली काम क्या है? तो याद रखना, सन का जो रेज होता है अवशोषित, यही करता है, क्लोरोफिल करता है, याद रहेगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये इसमें जो ये जो रिएक्शन हो रहा है, मैंने बोला इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी हो, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो याद रखना, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है आपका, किसका हो रहा है? आपका H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जो ग्लूको ये जो आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रहा है, किस टाइप का रिएक्शन है? तो याद रखना, रिडॉक्स रिएक्शन भी है और इंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? तो मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मेन प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में? तो ग्लूकोज है। और आपका ऑक्सीजन क्या है? तो ये बाय प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या है? आपका ग्लूकोज है, ठीक है। और जो प्लांट है बेसिकली ग्लूकोज बनाने के बाद ग्लूकोज को किस फॉर्म में यूज करती है? तो स्टार्च के फॉर्म में या सेलुलोज के फॉर्म में, ठीक है। जो आपका प्लांट है उसका कोशिका भित्ति सेल वॉल किससे बना होता है? तो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। आपका फंगस का सेल वॉल किससे बना होता है? तो काइटिन से बना होता है, ठीक है। इतना याद रखोगे, चलो इतना याद रखोगे तो ये भी कम नहीं है, ठीक है, बाकी सही है यहाँ, ठीक है। चलिए इसके बाद कार्बोहाइड्रेट से हम वहां पहुंच गए थे, ठीक है। चलिए अब कार्बोहाइड्रेट से आपको समझ में आया, अब हम लोग आते हैं प्रोटीन में, ठीक है। तो प्रोटीन से याद रखिएगा, ये क्या करता है हमारा, प्रोटीन का काम क्या है? तो प्रोटीन जो है हमारा, याद रखिएगा, प्रोटीन क्या है हमारा, जो जो अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो सबसे पहले दो बीमारी याद रखना, एक होता है क्वासिरकर और एक होता है मेरेस्मस। फिर से बोल रहा हूं, लिखूंगा, टाइम लग जाएगा,
क्वासीरकोर और मेरस्मस। तो क्वासीरकोर और मेरस्मस जो होता है वो प्रोटीन के कारण हो, अगर प्रोटीन आपने सही से नहीं खाया तो बच्चों लोगों में कौन सा दो बीमारी होता है, क्वासीरकोर और मेरस्मस, अच्छे से आप ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटीन याद रखिएगा, प्रोटीन को बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट चाहिए वो है आपका नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैं बताता हूँ प्रोटीन पे कि प्रोटीन, ठीक है, कोई चीज अगर आप खाते हो उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, ठीक है, उसको जांच करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा एलिमेंट यूज किया जाएगा, तो सल्फर का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये सल्फर क्या है, तो याद रखिएगा सल्फर का यूज किसमें और किया जाता है, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, रबर जो नेचुरल निकलता है उसको और, ठीक है, मजबूती प्राप्त करने के लिए भी सल्फर यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वो भी पूछा गया है। ठीक है, प्रोटीन याद रखिएगा कि अगर पूछे कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तो याद रखिएगा फैट जो है सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, ऑलमोस्ट इसका डबल देता है, 9 point something देता है, बट एग्जाम में 9 point के बाद कुछ भी होगा उसको मानना, 1 gram अगर फैट जलाओगे तो आपको 9 point something कैलोरी मिलेगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है याद रखिएगा, और जो आपका कार्बोहाइड्रेट देता है वो 4.2 कैलोरी देता है। ठीक है, समझ में आया, अगर कार्बोहाइड्रेट्स का तो खैर हमने बात कर लिया, प्रोटीन का हमने बात कर लिया कि दो बीमारी होता है। ठीक है, प्रोटीन के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो नाइट्रोजन होता है, और अगर जंतु जगत में बात किया जाए, ठीक है, या आपका प्लांट जगत में बात किया जाए, दोनों में एक कोशिकांग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम याद रखिएगा प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है याद रखिएगा, और उसको बोला जाता है क्या, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, किसको, राइबोसोम को। ठीक है, ये भी चीज आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, इतना चीज आप लोग यहां से याद रख सकते हो, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नहीं तो 5 questions लेंगे, ठीक है, और 5 से 50 questions बना देंगे जो आपको एग्जाम में, इससे बेटर और कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, सो प्लीज बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। ठीक है, गला थोड़ा ये हो गया था इसलिए हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, बट स्लोली बोलते हुए लिया जा सकता है, और प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक है, इससे बेस्ट और कुछ हो नहीं सकता, और पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है, जय हिंद।